जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की यह वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वह बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पीएनबी या किसी भी बैंक से पेंशन लेते हो तो उसको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ईएसएम को 40 लाख का मिलेगा इंश्योरेंस, डिफेंस पेंशनर्स, बीओबी, एसबीआई, पीएनबी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले हो जाए एक छोटा सा दिमाग का खेल। यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, एक तराजू में बैठे हुए हैं एक बिल्ली, एक चूहा, और इन दोनों का मिलाकर वजन है दोस्तों 10 किलो। दूसरे तराजू में बैठे हुए हैं दोस्तों एक कुत्ता और एक चूहा, और इन दोनों का वजन मिलाकर के है दोस्तों 20 केजी। और यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, एक कुत्ता और बिल्ली यहां पर बैठे हुए हैं, इन दोनों का वजन मिलाकर है 24 केजी। अब अगर दोस्तों कुत्ता, बिल्ली और चूहा को एक ही तराजू में रख दिया जाए तो इन तीनों का वजन मिलाकर के कुल कितना होगा, आपने इसका जवाब देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के। ओके, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि एसबीआई, पीएनबी और अदर कई बैंक जो हैं डिफेंस पेंशनर्स को एक इंश्योरेंस का अमाउंट देते हैं, जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है, दिया जाता है। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों, कई पूछ रहे थे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, एसबीआई, पीएनबी का तो हमको पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा और अदर बैंक का क्या है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक लेटर जारी किया गया है 8 फरवरी 2024 को, और बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर से भी मैंने इस चीज को कंफर्म कर लिया है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, जो डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पर्स डिफेंस पेंशन सर्विसेज बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह जो है डिफेंस सैलरी पैकेज दिया जा रहा है एक्स सर्विसमैन को, चाहे वो स्पर्स में ही माइग्रेट क्यों ना हो गए हो। तो यहां पर इन्होंने जो है क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप 0 बैलेंस अकाउंट आपका, फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर अप टू डेथ 40 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 40 लाख रुपए का जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर दिया जा रहा है पेंशनर को, जो कि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए, जिनका अकाउंट यहां पर पेंशन अकाउंट है, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों, एडिशनल कवर ऑफ 10 लाख ऑन योद्धा डेबिट कार्ड, अगर आपने डेबिट कार्ड लिया हुआ है, एटीएम कार्ड लिया हुआ है योद्धा डेबिट कार्ड, तो उसके ऊपर भी जो है आपको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। तो 40 लाख का तो यह हो गया, 10 लाख का यह हो गया। और इसके अलावा अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, योद्धा क्रेडिट कार्ड, योद्धा क्रेडिट कार्ड किसके लिए लागू है दोस्तों, जिनका डीएसपी अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो अगर इन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड पर भी जो है 20 लाख का इंश्योरेंस है दोस्तों। तो 40, 10, 50 और 20, 70 लाख का इंश्योरेंस, अगर ये तीनों चीजें इन्होंने ली हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अनलिमिटेड फ्री चेक, ये तो आपको पता ही है, फ्री एसएमएस, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन इसमें एक और एडिशनल चीज देख रहे होंगे दोस्तों कि फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फॉर वीर नारीज, जो वीर नारीज हैं दोस्तों उनके लिए भी फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, अगर उनका यहां पर पेंशन अकाउंट है, तो इनको भी जो है 40 लाख रुपए जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर यहां पर दिया जा रहा है। हालांकि अन्य बैंकों में दोस्तों वीर नारीज के लिए इस प्रकार का जो है इंश्योरेंस कवर नहीं है, कुछ में होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि स्टेट बैंक में कितना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका पेंशन अकाउंट डीएसपी गोल्ड पेंशन अकाउंट है वहां पर, तो आपको 30 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस डेथ कवर लागू है एसबीआई की तरफ से। और पीएनबी की तरफ से दोस्तों 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है, लेकिन आपका जो अकाउंट है रक्षक प्लस स्कीम के तहत वहां पर खुला होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, आप अलग अलग जगहों पर बैंक हैं, आप सोच रहे होंगे अदर बैंक में, किसी में भी है दोस्तों, कुछ बैंकों में पेंशनर्स के लिए इंश्योरेंस कवर दिया गया है, लेकिन कुछ बैंक हैं दोस्तों जिनमें जो है डिफेंस पेंशनर्स के लिए कोई भी कवर, स्पेशल कवर नहीं दिया गया है। तो आप जो है अपनी ब्रांच में जाकर के पता कर सकते हैं कि आपका बैंक हमारे डिफेंस पेंशनर्स को क्या अलग से सुविधा, क्या इंश्योरेंस क्लेम दे रहा है। अब देखिए, इसी के संबंध में दोस्तों एक मुझे मैसेज आया था, जय हिंद भाई साहब, मेरी पेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा में आती है और मैं एसबीआई में ट्रांसफर कराना चाहता हूं, और मेरा अकाउंट पहले से एसबीआई में है जिसमें मेरी पेमेंट आती थी, वह अकाउंट ऑलरेडी डीएसपी अकाउंट था लेकिन पेंशन बैंक ऑफ बड़ौदा में करवा लिया था। तो इनका पहले एसबीआई में अकाउंट था, उसके बाद इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिया, अब ये वापस चाह रहे हैं कि एसबीआई में अपना जो है पेंशन अकाउंट
ट्रांसफर कर दें। तो ये पूछ रहे हैं, इनके दो सवाल यहां पर हैं। नंबर पहला, तो क्या जो पहले से एसबीआई में अकाउंट है उसमें पेंशन ट्रांसफर करवा सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने आपको बताई दिया है कि इस प्रकार की फैसिलिटी दे रहा है, जो कि मैंने आपको बताई दिया है 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस प्रकार से जो है ये भी दे रहा है। तो वैसे तो कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूर है, कुछ अन्य प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से अगर आप करवाना ही चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं उसी अकाउंट में जो आपका पहले से एसबीआई में है, उसी अकाउंट में करवा सकते हैं। इस पर्स में आप माइग्रेशन हो चुके हैं, किस प्रकार से कराना है दोस्तों, यही वीडियो इन्होंने देखी थी और आप भी देख सकते हैं मेरे जो है चैनल में जाकर के, कि इस प्रकार का मैंने वीडियो बनाया है कि अगर आपको इस पर्स में अपना बैंक या ब्रांच चेंज करनी है तो किस प्रकार से आपने करना है, मैंने बिल्कुल लाइव डेमो यहां पर दिया हुआ है। दूसरा सवाल इनका जो है आया है कि, और सबसे जरूरी जानकारी यह बताएं कि एसबीआई अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट पेंशन ट्रांसफर से पहले करें या बाद में। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि ज्वाइंट अकाउंट चाहे पेंशन ट्रांसफर से पहले हो चाहे वो ट्रांसफर के बाद हो, आप दोनों हालत में करा सकते हैं, पहले भी करा सकते हैं और बाद में भी करा सकते हैं। लेकिन बशर्ते दोस्तों, जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें फर्स्ट अकाउंट होल्डर का नाम जो है पेंशनर का होना चाहिए, वो सेकंड अकाउंट होल्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट अकाउंट होल्डर होना चाहिए। तो पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप इनकी पेंशन इसमें आनी शुरू हो जाएगी तो 2-3 महीने जब इनकी पेंशन आ जाएगी तो उसको अपना डीएसपी पेंशन गोल्ड में जरूर बदली करवा लें। और आपको एक अन्य जानकारी और भी बता दूं दोस्तों कि अपने अकाउंट में अगर आपने ज्वाइंट करना है, पेंशन अकाउंट में ज्वाइंट करना है, तो केवल और केवल अपने स्पाउस को ही कर सकते हैं, अपने पति या फिर पत्नी को ही ज्वाइंट कर सकते हैं, पेंशन अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन उसमें जो है नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, नॉमिनी जरूर बना लें और अपने अकाउंट में ज्वाइंट अपने स्पाउस को जरूर कर लें। अगला दोस्तों, ये पूछ रहे थे कि आई गॉट न्यू डेबिट कार्ड फ्रॉम पीएनबी मेंशनिंग रक्षक प्लेटिनम ऑन इन इट, व्हाट डज इट मीन। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पीएनबी में जो डिफेंस पेंशनर्स का जो खाता है वह जो है डीएसपी नहीं बल्कि रक्षक प्लस स्कीम नाम से है। और जब इन्होंने, जब आप वहां से डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको रक्षक प्लेटिनम या रक्षक इस प्रकार से क्लासिक लिखा हुआ आपका जो है एक मिलेगा डेबिट कार्ड, जिस प्रकार से एसबीआई में आपको डीएसपी वाला पेंशन गोल्ड करके लिखा हुआ आपको मिलता है डेबिट कार्ड, उसी प्रकार से पीएनबी की तरफ से आपको रक्षक प्लेटिनम या रक्षक क्लासिक इस प्रकार का जो है डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। अगला आप देख रहे हैं, सर डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट करा लिया हूं, क्या इंश्योरेंस लागू रहेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने डीएसपी अकाउंट को ज्वाइंट करवा लिया है तो इंश्योरेंस कवर जो है दोस्तों, जो पेंशनर हैं वो जो फर्स्ट होल्डर हैं उनको रहता है उसमें इंश्योरेंस कवर। सेकेंड होल्डर को अगर कुछ होता है, यानी कि जो उनके स्पाउस हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस कवर नहीं होता, बल्कि फर्स्ट होल्डर के लिए जो पेंशन ले रहे होते हैं उसको, उस पर उनको जो है इंश्योरेंस कवर लागू रहता है। हाँ, इंश्योरेंस अगर मिलता है तो वो मिलेगा किसको, जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर रहेगा, तो वो इंश्योरेंस जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको मिलेगा, वही नॉमिनी होते हैं। लेकिन अगर उनके साथ ज्वाइंट में कोई नहीं है तो जो अकाउंट में नॉमिनी होता है या फिर ज्वाइंट होल्डर की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी हालत में जो अकाउंट में नॉमिनी होता है, तो डीएसपी का जो मैंने आपको बताया है कि इंश्योरेंस किसी में 30 लाख है, किसी में 40 है, किसी में 50 लाख है एक्सीडेंटल कवर, तो ऐसी हालत अगर होती है तो पहले फेज में तो जो है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर को मिलेगा, भले ही उसमें नॉमिनी क्यों नहीं है। लेकिन अगर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर नहीं है तो ऐसी हालत में नॉमिनी को यह क्लेम दिया जाएगा। अगला दोस्तों, इस पर्स में माइग्रेट हो गया है इसलिए कुछ बैंक मना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हमारा जो है इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है, अब बैंक वाले कह रहे हैं कि अब आपका जो है इस स्कीम के तहत हम आपका अकाउंट बदली नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप किसी भी ब्रांच में जाइए, बैंक में जाइए, वो जो है डीएसपी में चाहे रक्षक में आपके अकाउंट को बदली करेंगे। यह जो है बिल्कुल साफ एसबीआई की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं और किए जा रहे हैं दोस्तों। अगर कोई मना कर रहा है तो आप जो है ब्रांच मैनेजर से मिलिए, हो सकता है दोस्तों वहां के स्टाफ को इस बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों, आप बात ऑफिशियल से नहीं करते हैं, सबसे पहले जो है पीओन के पास जाते हैं कि भाई क्या क्या है हमारे लिए, और उनको खुद पता नहीं होता है, वो आपको क्या क्या बता देते हैं और आप वहीं से लौट जाते हैं। देखिए, आप
आपको अगर डाउट है तो अल्टीमेटली आप मैनेजर तक मिलिए। आपको मैनेजर तक भी संतुष्टि नहीं है तो सीधा अगर मैनेजर भी इस प्रकार के करते हैं कि हम नहीं खोल सकते हैं, तो आप जो है सीधा आप यह कहिए मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूं, एक कंप्लेन लिख देता हूं, आप मेरी एप्लीकेशन को जो है फॉरवर्ड कर दीजिए और मुझे इसका रिप्लाई चाहिए कि क्या मुझे यह फैसिलिटी है या नहीं है, इसके बारे में मुझे बताया जाए, जानकारी दी जाए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, पेंशनर से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, फुल वीडियो बनाई है कि बैंक जो है पेंशनर्स को क्या क्या फैसिलिटी देंगे, इस प्रकार जो है मैंने वीडियो बनाई है। आप जो है चैनल में मेरे जब अगर जाएंगे तो यह वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां बैंक देंगे पेंशनर को कई फैसिलिटी, क्या है नियम, मैंने 15 गोल्डन पॉइंट बताए हैं। अगर आपने देख लिया तो ठीक है, नहीं देखिए है तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं, इस थोड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट तो नहीं कहूंगा, डिफेंस पेंशनर्स के लिए ही है, लेकिन जो है इन्होंने जो है एक कमेंट किया है कि मेरी डॉटर का मैरिज एप्लीकेशन ZSB और RSB में रिकमेंड हो गया था। इन्होंने मैरिज एप्लीकेशन डाली थी, आपको पता ही है KSB की तरफ से जो है बेटी की शादी पर जो है 50,000 रुपए जो है आपको दिया जाता है एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो है KSB में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप CA के लिए डालते हैं 12,000 रुपए हर साल का मिलता है दोस्तों बच्चे का, उसी प्रकार से जो है बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए भी मिलता है। लेकिन इनका जो है ZSB और RSB में तो अप्रूव हो गया, और ये कह रहे हैं कि KSB में ऑटो रिजेक्ट हो गया है, 30 डेज में हो गया है, और मैं क्या करूं, सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए ऐसी हालत में अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो आपने जो है लॉग इन कर लेना है KSB में। उस वाली एप्लीकेशन को अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर क्लियर ऑब्जर्वेशन लिखा रहता है कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की जा रही है, ठीक है। अगर वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन होगा तो दोस्तों जब जो है इन्होंने ऑब्जर्वेशन जिस दिन से दिया है आपको मेल भी मिल जाती है, आपको मैसेज भी मिल जाता है। अगर जो है मेल मिलने के जिस दिन उन्होंने रिजेक्ट किया है, इसके 30 दिन के अंदर आपको वो ऑब्जर्वेशन क्लियर करना पड़ता है। तो आप जो है एप्लीकेशन में जाए, उसे क्लिक करें, देखें क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, उस ऑब्जर्वेशन को जो है क्लियर करके आप जो है उसको अपलोड कर दें, तो वह जो है आपका जो है वहां से जो है KSB से भी अप्रूव हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण हो सकता है, या कुछ डिटेल की कमी के कारण, मिसमैच के कारण हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है कारण इनकी तरफ से दिया हुआ, तो उस चीज को देखें, उसे सही करें। अगर आप 30 दिन के अंदर दोस्तों इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, ऑब्जर्वेशन को क्लियर नहीं करते हैं, तो फिर आपकी एप्लीकेशन KSB के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिजेक्ट कर दी जाती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें और जितनी जल्दी हो सके उसका ऑब्जर्वेशन को क्लियर कर लें। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ जानकारियां मिली होंगी, और आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डिफेंस पेंशनर्स को शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो हैं हंसी मजाक या फिर ये वाली चीजें तो एक दूसरे को खूब सारी भेजते हैं, जो अफवाहें उड़ती हैं वो जरूर एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन जिसमें आप लोगों के लिए जानकारियां रहती हैं, मेन जानकारियां रहती हैं, जिससे आपको कुछ हासिल होता है, वो आप जानकारी अपने अंदर लेकर के बैठ जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोज को जिससे आपको जानकारी मिले, कोई भी आपको जानकारी दे रहा हूं, तो उसको अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर करें, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।